Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code Code Code. If you are new to this channel, then do subscribe to my channel. Now let's jump to the question without wasting any time. So today's question is level order traversal. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Given a binary tree, find its level order traversal. Level order traversal of a tree is breadth first traversal for the tree. तो इस क्वेश्चन को एग्जांपल के साथ समझते हैं. ये क्वेश्चन कह क्या रहा है. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसको डिलीट कर दो. फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2. तो हम लोगों को करना क्या है, सिंपल सा चीज है, लेवल बाय लेवल जाना है और वैल्यू को ट्रेवर्स करते हुए प्रिंट करा देना है. इस लेवल पे है हम लोग को तो 1 हो गया, इस लेवल पे है तो सबसे पहले वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट हो गया, और इसी लेवल का है 2. फिर मान लो इसके कोई आगे लेवल रहता 5, यहाँ पे होता 6, तो हम लोग क्या प्रिंट होता 5 6. तो ये सिंपल सा चीज था. एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि 10, यहाँ हो गया 20, फिर यहाँ हो गया 30. तो 10 सबसे पहले हम लोग यहाँ 10, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा यहाँ पे लास्ट 30. ठीक है, 10 20 30, लेवल बाय लेवल हम लोग इस लेवल पे गए हैं, फिर इस लेवल पे और फिर इस लेवल पे. तो ये सिंपल सा चीज है, लेवल बाय लेवल जाना है और बस ट्रेवर्स करते हुए वैल्यू प्रिंट कराना. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे. हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिकली क्यू ले लेंगे. क्यू में क्या होता है, जो भी फर्स्ट वैल्यू होता है वही आउट, मतलब फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट फीफ होता है ना, जो पहले आया वही पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रूट को अपेंड करा देंगे इसमें, रूट को अपेंड करा दी. और फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को प्रिंट करा देंगे, रूट को प्रिंट करा, फिर चेक करेंगे. एक वैल्यू ले लेंगे, मान लो हम लोग नोड कोई भी एक वैल्यू ले लो, उसमें स्टोर करेंगे हम लोग, पॉप कर देंगे जो भी जीरोथ पोजीशन पे वैल्यू होगा उसको हम लोग पॉप करा के. और हम लोग क्या करेंगे उसका वैल्यू, जैसे हम लोग यहाँ पे पॉप करा दिए 1 का वैल्यू, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा 1 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है. तो जो भी मेरा चिल्ड्रन होगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे इसमें अपेंड करा देंगे. 2 और 3 है मेरा यहाँ, तो हम लोग 2 और 3 को अपेंड करा दिए. फिर हम लोग सेम चीज करेंगे, फिर हम लोग 2 को क्या करेंगे प्रिंट करा देंगे, और फिर हम लोग 2 को पॉप आउट करके इसमें स्टोर करेंगे. फिर चेक करेंगे हम लोग 2 का क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड दिख रहा है हमको 2 का, 4 इसमें आ गया. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे अब 3 पे जाएंगे, 3 पे जा रहे हैं, 3 को हम लोग क्या करेंगे प्रिंट आउट करा के फिर हम लोग 3 को पॉप आउट कर दिए, 3 इसमें आ गया. फिर हम लोग सेम चीज 3 का भी चेक करेंगे, क्या मेरा 3 का लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड है, तो जो भी होगा उसका वैल्यू को अपेंड करा देंगे. तो 5 है, राइट चाइल्ड मेरा अपेंड हो गया, 3 मेरा पॉप आउट हो चुका है. फिर हम लोग 4 पे सेम तरह जाएंगे, 4 पे है, 4 को हम लोग प्रिंट आउट करा दिए. फिर 4 को हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा 4 को कब चेक करेंगे, जब हम लोग पॉप आउट कर देंगे तब. तो यहाँ पे 4 आ चुका है मेरा. फिर हम लोग 4 का चेक करेंगे क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड है, नहीं है, दैट्स इट. उसके बाद हम लोग सेम फिर 5 पे आएंगे, 5 को प्रिंट आउट करा देंगे. फिर 5 को हम लोग पॉप आउट करके इसमें रखेंगे, एक वैल्यू में स्टोर करा रहे हैं. फिर चेक करेंगे क्या मेरा इसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड है, नहीं है, दैट्स इट. अब हम लोग का वैल्यू खत्म हो चुका है, यानी कि ये जो क्यू हम लोग का कब तक चल रहा है, यहाँ जो क्यू हम लोग का कब तक चल रहा है, तो ये जब तक चल रहा है जब तक इसमें कोई ना कोई वैल्यू है. व्हाइल लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा व्हाइल, क्योंकि हम लोग रिपीट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, तब तक ये मेरा वैल्यू चलेगा. तो ये सिंपल सा चीज है, बस हम लोग क्यू का वैल्यू लेंगे और जो भी चीज हम लोग को बार बार रिपीट हो रहा है कि पहले अपेंड करा रहे हैं, फिर पॉप आउट कर रहे हैं, फिर उसका लेफ्ट चिल्ड्रन राइट चिल्ड्रन जो भी है उसको अपेंड करके सिंपली वही काम रिपीट कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, फिर पॉप आउट करके चिल्ड्रन देख रहे हैं जो उसको अपेंड हो रहा है. जो भी मेरा 0th पोजीशन पे होगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे होगा, उसको हम लोग पॉप आउट कर देंगे. इस तरह हम लोग का लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल होते चला जाएगा. तो इसको कोड के साथ और अच्छा समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट एक वैल्यू ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग का फाइनल ट्रैवर्सल स्टोर होगा. फिर हम लोग क्यू ले लिए जो कि हम लोग वैल्यू अपेंड करेंगे. फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू में अपेंड कर देते हैं क्या रूट वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू तो रहना चाहिए ना.
फिर हम लोग क्या करेंगे, वाइल चेक करेंगे ये कंडीशन कब तक चलेंगे, वाइल लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन चेक किए ट्रू है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में अपेंड कर देंगे। रिजल्ट में यहाँ पे अपेंड कर, अपेंड का स्पेलिंग गलत हो गया, रिजल्ट में अपेंड करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या, रूट वैल्यू। तो रूट वैल्यू क्या है मेरा, क्यू जीरो पोजिशन का डाटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोड वैल्यू बोले थे ना कि लेंगे, जिसमें हम लोग जो भी वैल्यू होगा प्रिंट कराने के बाद, यहाँ पे हम लोग स्टोर करा दिए, स्टोर करा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कराने के बाद इसमें स्टोर करा दिए ना, अब हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि क्यू से निकाल देंगे। क्यू से निकालने के बाद जो भी जीरो पोजिशन पे मेरा वैल्यू, उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ नोड डॉट लेफ्ट पॉप करने के बाद इज नॉट नन। देखो यहाँ पे हम लोग वन को पॉप आउट करा दिए स्टोर कराने के बाद, अगर ये मान लो वैल्यू नहीं रहता, खुद से हम लोग लिखते थे, डायरेक्ट प्रिंट लिख सकते थे ना, सॉरी यहाँ पे वैल्यू हट गया, रिजल्ट हो गया यहाँ पे। सबसे पहले मान लो जैसे यहाँ पे वन ले लिए, वन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रिजल्ट में स्टोर हो गया, मान लो यहाँ पे वन का वैल्यू स्टोर हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉप आउट कर लिए, फिर चेक कर रहे हैं क्या मेरा वन का लेफ्ट वैल्यू है। तो इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, नहीं अगर नन है तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू में अपेंड करा देंगे। क्यू में अपेंड करा दिए क्या, नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट लेफ्ट अपेंड हो गया। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं क्या, इफ नोड डॉट राइट इज नॉट नन, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यू में अपेंड करा देंगे क्या, डॉट यहाँ पे सिंपली देखो वन है, फिर चेक किया इसका वैल्यू टू है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्यू में अपेंड करा दिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से चेक करेंगे क्या, कि वाइल लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ तो पहले से इसमें थ्री और टू है, खाली वन ना पॉप आउट हुआ था, थ्री और टू है मेरा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है। फिर हम लोग रिजल्ट में अपेंड करेंगे क्यू जीरो डॉट डाटा। अब क्यू जीरो मेरा क्या था, थ्री था, क्योंकि लेफ्ट वैल्यू सबसे पहले अपेंड हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा अब क्या, थ्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, नोड में हम लोग इस थ्री को पॉप आउट कर लिए, इस थ्री को नो, यहाँ पे थ्री था तो यहाँ पे थ्री को हटा दिए, बचा मेरा यहाँ पे सिर्फ टू, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा टू बच गया। उसके बाद चेक कर रहे हैं क्या मेरा थ्री का लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड है, नहीं है, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग वापस इस कंडीशन पे आएंगे, चेक कर रहे हैं व्हाइल लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो देखो क्यू में टू है मेरा अभी। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फिर रिजल्ट डॉट अपेंड क्यू जीरो डॉट डाटा, अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा जीरो पोजिशन पे टू है, तो टू आ गया मेरा। फिर हम नोड क्यू डॉट पॉप जीरो, अब मेरा टू यहाँ से हट जाएगा, टू हट गया। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, टू का क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, टू का क्या मेरा राइट चाइल्ड है, नहीं है, और फिर लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे अब देखो लेंथ ऑफ क्यू जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, बाहर हो गया, रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बार बार ले गए, इसको हटाना होगा ना। देखो यहाँ पे 132 था, 132 आ गया मेरा, सिंपल है। रिजल्ट स्टेटस एम्प्टी और फील्ड व्हाइल प्रोसेसिंग रिजल्ट, अच्छा गलती कहाँ हो रहा है, रिजल्ट ले लिए, क्यू ले लिए, व्हाइल लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्यू डॉट ओपन इफ नॉट डॉट इज नॉट राइट, तो सही है, रिजल्ट हो गया क्यू, क्यू डॉट ओपन रूट लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ये सही है, सही है। हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का सबमिट हो चुका है और ये कोड सही है, तो थैंक यू।
And if you like it, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.